500 वीडियो चैनल में डालने के बाद भी जब चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ तो हमें हार नहीं मानी। हाँ जी भाई, हार नहीं माननी है। चाहे 500 600 जितनी वीडियो डालनी है डालो, आप डालते रहो, कंटिन्यू काम करो, हार नहीं माननी है। हमने भी हार नहीं मानी। उसी का नतीजा है कि आज हमारा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो गया है। जी हाँ, हमारा जो चैनल है वो आज मोनेटाइज हो गया है, उस पर अर्निंग भी स्टार्ट हो चुकी है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, पूरे 500 वीडियोस जब हमने इस चैनल्स पे डाली हैं तब जाके चैनल मोनेटाइज हुआ है दोस्तों। तो ये वीडियो, ये बात कहने का एक ही उद्देश्य है कि हार नहीं माननी है, डेडिकेशन होना चाहिए, काम करते रहें, कंटिन्यू काम करें, फील्ड पर काम करें। जिस काम में आपको लग रहा है कि जिस फील्ड में आपको लग रहा है कि आपके फील्ड में काम होना चाहिए, उस पर काम कीजिए, डेफिनेटली आपका चैनल भी मोनेटाइजेशन होगा, गारंटीड होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये बेसिकली वीडियोस बनाने का उद्देश्य यही है कि वो नए यूट्यूबर्स जिनको जो 2-4-5 वीडियोस डालते हैं उसके बाद उनको लगता है कि यार हमारा काम जो है वो सही नहीं है, या हम जो काम है वो सही नहीं कर रहे हैं और हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, तो बेसिकली वीडियो उनके लिए दोस्तों। हार नहीं मानी है, कंटिन्यू लगे रहना है, स्ट्रगल करो, आपकी चैनल भी मोनेटाइज एक दिन हमारे चैनल की तरह हो जाएगा। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया जिन लोगों ने हमको सपोर्ट किया, जिन्होंने हमको सब्सक्राइब किया, हमारी वीडियोस देखते हैं, उन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद करना चाहेंगे। हमारी बने ग्रेजुएशन टीम की तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया है और आप लोग का सहयोग की वजह से ये संभव हो पाया है। इस चैनल के माध्यम से हम दुबई में रहते हैं तो दुबई से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं या एम्प्लॉय की जितनी भी समस्याएं होती हैं उन पर हम काम करते हैं, या बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, लेबर्स होते हैं जिनको पता नहीं होता है क्योंकि वो सुबह ड्यूटी पे जाते हैं, शाम को अपने रिटर्न अपने रूम पर आते हैं, खाना बनाते हैं, खाते सो जाते हैं, वही उनकी दिनचर्या होती है, उतने में वो सिमट के रह जाते हैं। तो क्या यूएई गवर्नमेंट्स में क्या लॉ में चेंजेज हुआ है, पासपोर्ट में क्या चेंजेज आया है, और या आने वाले समय में क्या चेंजेस आने वाले हैं, किन चीज़ों को लेकर उनका अवेयरनेस रहती है, वो इन्फॉर्मेशन उनको नहीं मिलती है। तो दोस्तों, अगर आप भी इन कैटेगरीज में आ रहे हैं तो आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करके रखना चाहिए ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन दुबई से रिलेटेड वो आपको पहुंचती रहे। आप अपने मैसेज में भी कमेंट के थ्रू आपको दे सकते हैं कि हमको इस फील्ड में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसको इन्फॉर्मेशन को भी हम कलेक्ट करेंगे, आप लोग के समक्ष रखने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, इस मीडियम से ये वीडियो हमने बनाया था, ये चैनल हमने बनाया है। इस चैनल में बनाने का उद्देश्य यही था क्योंकि हम वर्कर के बीच में रहते हैं, लेबर के बीच में रहते हैं, या हम ऐसे जगहों पर रहते हैं, ऐसे प्लेसेस पर रहते हैं जहां पर वर्कर आबादी ज़्यादा होती है, क्योंकि दुबई का जो कल्चर है वो बहुत डिफरेंट तरह का कल्चर है और यहां पर अलग अलग कैटेगरीज के तहत ही एम्प्लॉय रखा जाता है। तो बेसिकली जितने भी यहाँ पर एम्प्लॉय हैं, इंजीनियर्स हैं, चाहे वो कुछ भी मैनेजर्स है या कुछ भी है, या एम्प्लॉय कैटेगरी में आता है, और चाहे वो किसी भी कंट्री का रहने वाला हो, चाहे वो भारत का रहने वाला हो, चाहे पाकिस्तान का हो, नेपाल का, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, सूडान, कहीं का भी है, साउथ अफ्रीका है, फिलीपींस है, या जो भी हिंदी भाषी जो हमारे लैंग्वेज को समझ पाते हैं, उन लोगों के लिए चैनल काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यह है कि दोस्तों, ताकि आपको भी एक मोटिवेशनल मिल सके कि हाँ, ऐसा नहीं है, चैनल मोनेटाइज होता है, यूट्यूब मोनेटाइज करता है, लेकिन क्या है, डेडिकेशन होना चाहिए, आपका कॉपीराइट नहीं होना चाहिए, आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो सही होनी चाहिए, लोगों को समझ आनी चाहिए, उसी उद्देश्य पर आप भी काम करते रहे तो आपका भी चैनल एक दिन मोनेटाइज हो जाएगा। आज बहुत खुशी का पल है कि हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया है, बाकी स्क्रीनशॉट हमने लगा दी है, तो आपको जो भी ये वीडियो हमारा देख रहे हैं, इन्फॉर्मेशन देख रहा है, उसको कोई डाउट ना हो कि हाँ, इनका चैनल मोनेटाइज है भी या नहीं। तो फिर मिलते हैं नए वीडियोज़ में, बने रहे ऐसे सहयोग और सपोर्ट आप लोग करते रहें, हम ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए लाते रहेंगे, दुबई के कल्चर्स को आप लोग के समक्ष दिखाते रहेंगे, या नेक्स्ट जनरेशन पीपल्स में या नेक्स्ट जनरेशन में जितनी भी चीज़ें होती हैं या जो भी नेक्स्ट जनरेशन लेवल पे होनी चाहिए, वो चीज़ें हम इन्फॉर्मेशन हमारे पास है तो हम उसको सही तरीके से आप लोग के समक्ष रखेंगे। और बाकी यहाँ पर रह रहे लेबर हो या कोई इस तरह के पीपल्स जो यहाँ पर काम करते हैं, और उन लोग के लिए काफ़ी बेसिकली ये चैनल है, तो ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हम इसमें अपडेट कर रहे हैं। और बाकी इंडिया में भी जैसे कोई प्रॉब्लम्स हैं उस पर लगता है कि बात होनी चाहिए, या कोई पॉलिटिकल इश्यूज है उस पर हम लगता है कि हम अपनी राय रखनी चाहिए, तो उस तरह की वीडियोज़ भी हम अपने चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। तो ऐसे ही देते रहिए हमको सहयोग, हम फिर मिलेंगे नई वीडियोज़ में आप लोग के समक्ष। इजाज़त, जय हिंद, जय भारत।